रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से खबर आ रही है जहां संभाग मुख्यालयों पर कल नेटबंदी। परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। मल्टी लेयर शील्ड होगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से होगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। 2730 पदों के लिए होगी कल सूचना सहायक भर्ती परीक्षा। 1,40,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि कल एक बड़ी परीक्षा है जिसको लेकर संभाग मुख्यालयों पर कल नेट बंद रहेगा। परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है और इस बार बिल्कुल सख्ती के साथ पेपर करवाए जाएंगे। मल्टी लेयर शील्ड का होगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर। बायोमेट्रिक के जरिए और फेस रिकॉग्निशन से होगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, कल की जो परीक्षा होगी इसको लेकर संभाग मुख्यालयों पर नेटबंदी करने का ऐलान कर दिया गया है और इस बार जो है पूरी तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड सख्ती दिखा रहा है। मल्टी लेयर शील्ड से होगा सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर। और क्या कुछ बदलाव किया गया है, किस तरीके से तैयारी की गई है कल के पेपर की? बिल्कुल, देखिए इस बार कई सारी सख्तियां की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक आज, क्योंकि खुद आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मेजर जनरल रहे हैं, तो वो जो डिसिप्लिन आर्मी वाला है वो डिसिप्लिन इस बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। वो पूरे सख्त एग्जाम को लेकर आ रहे हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है, खासकर नकल और डमी अभ्यर्थियों को लेकर, कि अगर इस तरह की गड़बड़ी में कोई जुड़ता है या जुड़ने का प्रयास करता है तो वो पहले 100 बार सोचे, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ पहले FIR दर्ज करवा दी गई है और ये लोगों को डिटेक्ट करके FIR दर्ज करवाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अगर कोई गलती से भी इस लपेटे में आ गया तो उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये चेतावनी मेजर जनरल आलोक राज ने उन लोगों को साफ शब्दों में दी है। और कई सारी सख्तियां बढ़ती है। बायोमेट्रिक एंट्री इस बार एक नया प्रयोग होगा जब ये एग्जाम सेंटर पे लगाया जाएगा और बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन से अभ्यर्थी को परीक्षा में एंट्री दी जाएगी। दूसरा, मल्टीलेयर सील्ड जो है लिफाफे में पेपर होगा जो सिर्फ अभ्यर्थी खोलेगा और अभ्यर्थी को ओमर सीट में अपने रोल नंबर नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ मिनट पहले वो खोलने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले वो पेपर जो वीक्षक होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, उसके पास भी वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस बार कोई चांस ही नहीं है। उन स्टूडेंट्स को ये देखना होगा जो नकल करते हैं और वो लोग जो पेपर आउट करवाते हैं, तो इस बार पूरी सख्ती के साथ पेपर करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।